नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती शशिकला सिन्हा, विभागाध्यक्ष इतिहास, गवर्नमेंट माता शबरी नवीन गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं एमए सेकंड सेमेस्टर के अनिवार्य तृतीय प्रश्न पत्र आधुनिक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में धार्मिक आस्थाएं शैव वैष्णव शाक्त जैन एवं बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करूंगे। तो धर्म, जैसा कि सबसे पहले कि धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या होता है, तो धर्म का सामान्य तौर पर अर्थ होता है धारण करना या ग्रहण करना। दूसरा शब्द है आस्थाएं, आस्था। आस्था क्या है? धर्म में विश्वास रखना, वही सच्ची आस्था है। हम अपने सत्कर्मों के द्वारा यह प्रयत्न करते हैं कि ईश्वर हमारे को मोक्ष प्रदान करेगा, और इसके लिए हम किसी भी धर्म में विश्वास रख के, आस्था रख के उसकी पूजा उपासना करते हैं। चूँकि भारत में अनेक प्रकार के धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी उसी प्रकार से इन सभी धर्मों का बोलबाला रहा है। इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास स्रोत होते हैं वो है पुरातात्विक स्मारक, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, और खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो आज हम विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ की धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उपलब्ध अभिलेख और पुरातात्विक स्मारक इस क्षेत्र की धार्मिक स्थिति के अध्ययन की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराते हैं। अभिलेखों में अधिकांश अभिलेख छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य आदि देवी देवताओं के उपासना से संबंधित मंदिरों के निर्माण की जानकारी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण देवी देवताओं के अतिरिक्त ब्राह्मणोत्तर अर्थात बौद्ध और जैन संप्रदायों का परिचय भी अभिलेखों तथा स्मारकों एवं शिल्पकृतियों से मिलता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि छत्तीसगढ़ में ये सभी प्रकार के धर्म प्रचलन में थे, और इनका पर्याप्त प्रभाव विभिन्न शासकों के शासनकाल में विभिन्न समयों में छत्तीसगढ़ में प्रचलित रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैव धर्म। शैव धर्म मतलब शिव की उपासना। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्राचीन काल में शैव धर्म पर्याप्त लोकप्रिय था। इसकी जानकारी सिक्कों, अभिलेखों एवं देवालयों से मिलती है। नलवंशी और पांडुवंशी शासकों ने शैव धर्म के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नलवंशी बस्तर के शासकों के सिक्कों पर नंदी का अंकन प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में शिव संप्रदाय प्रचलन में था। उसी प्रकार से पांडुवंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि पांडुवंश भी शैव संप्रदाय के अनुयायी रहे थे। उनकी राजमुद्रा में भी शिव के वाहन नंदी का अंकन है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर शैव धर्म पर्याप्त प्रचलन में रहा है, उसका प्रभाव भी था, और लोगों के बीच में शिव की उपासना पूजा की जाती थी। रतनपुर में कंठी देवल का मंदिर, बूढ़ा महादेव का मंदिर, उसी प्रकार से मल्हार में पातालेश्वर का मंदिर, ये सभी वो पर्याप्त सामग्री हैं जो इस बात की जानकारी देते हैं कि छत्तीसगढ़ में शैव संप्रदाय पर्याप्त रूप से प्रचलन में रहा है। रतनपुर में शिव विवाह की भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अतः छत्तीसगढ़ के कलचूरी शासक परम शैव भक्त थे। उनके अभिलेखों में शिव, शंभु, नीलकंठ, पार्वती वल्लभ, सोमनाथ, त्रिपुरारी आदि नामों का उल्लेख मिलता है। मल्हार, रतनपुर, पाली, जांजगीर, नारायणपुर, खरौद आदि स्थानों से प्राप्त शिव मूर्तियां इस काल में शैव धर्म के व्यापक प्रभाव और प्रसार को सिद्ध करती हैं।
उसके बाद हम आएंगे वैष्णव धर्म के ऊपर, वैष्णव संप्रदाय के ऊपर। छत्तीसगढ़ में वैष्णव धर्म का परिचय साहित्य अभिलेख और सिक्कों के माध्यम से मिलता है। विष्णु की प्रारंभिक मूर्ति छत्तीसगढ़ के बूढ़ी खार में प्राप्त हुई है। सर्वपुरी शासकों के ताम्रपत्रों व सिक्कों से वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है। सर्वपुरी अपने को परम भागवत बतलाते थे। उनके सिक्कों पर गढ़ूर का अंकन है और साथ ही शंख चक्र का भी अंकन है, जो इस बात की ओर अंकित होते हैं कि वास्तव में इस समय वैष्णव धर्म बहुत अधिक प्रचलन में रहा है। इसी प्रकार राजमुद्रा में राजलक्ष्मी का अंकन, प्रारंभिक पांडुवंशी शासक भी वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। उनके बाद नलवंशी बाणवंशी शासकों का अधिकार हुआ। उनके कला के उदाहरण से भी वैष्णव होने का परिचय मिलता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म का भी पर्याप्त प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ में रहा है और उन शासकों की इसके प्रचार प्रसार में सहभागिता रही है। उसके बाद हम आते हैं शाक्त धर्म, देवी शक्ति। विश्व की प्राचीनतम उपासनाओं में देवी शक्ति की उपासना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि सैंधव काल से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी शक्ति पूजा का काफ़ी प्रचलन था। लोगों को यह विश्वास था कि वैष्णवी वराही नरसिंही चामुंडा आदि शक्ति की कृपा से विजय प्राप्त होती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। विशेष करके नवरात्रि के अवसर पर महामाया मंदिर में बलि की प्रथा थी, किंतु अब वो बंद हो गई है। आजकल भी वर्तमान में भी रतनपुर के महामाया मंदिर में नवरात्रि के समय में बहुत अधिक भीड़ रहती है। लाखों दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं और लाखों की संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित होते हैं। न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर ज्योति कलश जलाने के लिए उनके आदेश प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि देवी की पूजा यहाँ पर विधि विधान से की जाने की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ के सिरपुर में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं, पाली के शिव मंदिर में बाराही दक्षिण भाग में चामुंडा देवी की मूर्ति शक्ति उपासना एवं शाक्त धर्म की लोकप्रियता का प्रमाण है। रतनपुर के मंदिर के चौखट में सप्त मातृकाओं की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो भी ये सिद्ध करती है कि यहाँ पर देवी शक्ति की उपासना का प्रचलन बहुत समय से रहा है। उसके बाद हम आते हैं जैन धर्म के ऊपर। तो वास्तव में जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही कम मिला है। अभिलेखों में तो इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कहीं पर जैसे रतनपुर में एक मूर्ति इनकी प्राप्त हुई है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी छत्तीसगढ़ में रहा है। आरंग, सिरपुर, मल्हार, धनपुर, रतनपुर, पद्मपुर आदि स्थानों पर जैन तीर्थंकरों की कई मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अतः इस धर्म का प्रचार प्रसार था, भले ही कम मात्रा में रहा है। हम यह कह सकते हैं कि यह धर्म पतनावस्था में रहा हो, लेकिन फिर भी रतनपुर में भी ऋषभनाथ की जैन मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद हम आते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। यद्यपि बौद्ध धर्म भी इस समय तक ब्राह्मण धर्म के अभ्युदय के कारण पतनावस्था में आ गया था, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का भी व्यापक प्रभाव रहा है। चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा वितरांत में इस बात को स्पष्ट किया है कि यहाँ पर लगभग 100 बौद्ध मठ बौद्ध विहार थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महायानी बौद्ध संघ के भिक्षु इसमें निवास करते थे। सिरपुर, आरंग तथा मल्हार में बौद्ध देवालय तथा मठों के अवशेष पाए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म के यहाँ पर ये केंद्र थे। सिरपुर और मल्हार के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से भी यह प्रमाणित होता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का केंद्र था, और फिर बहुत अधिक प्रचार नहीं होने के कारण अंततः उसका पतन हुआ होगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन और बौद्ध सभी संप्रदायों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक ही समय में विभिन्न संप्रदायों की प्रतिमाओं तथा मंदिरों का निर्माण, उनके मध्य परस्पर सामंजस्य
सदस्य का द्योतक है। अतः शासकों ने सभी संप्रदायों के प्रति समदृष्टि का परिचय दिया है, किंतु ब्राह्मण धर्म की बढ़ती लोकप्रियता के कारण जैन धर्म व बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा धूमिल पड़ गई है। नमस्कार।